सोनम एंड आई एम फ्रॉम क्लास फर्स्ट ईयर सी। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। पहले मैं आपको बताती हूँ कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। जब विभिन्न कंप्यूटर आपस में किसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की, यानी लैन की। लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र के अंदर रखे हुए कंप्यूटरों का नेटवर्क होता है जिसका क्षेत्रफल एक इमारत या एक परिसर होता है जो कुछ किलोमीटर तक फैला हो सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग मुख्य रूप से किसी ग्रुप द्वारा किया जाता है जो ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन और डेटा को का लेन देन करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरा हमारा है मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क किसी महानगर में रखे हुए अनेक इमारतों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क का आकार लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में काफी अधिक होता है। अब हमारा लास्ट है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक सार्वजनिक नेटवर्क है। इनका भौगोलिक क्षेत्र पर संपूर्ण विश्व है। इनका क्षेत्रफल कई महाद्वीपों तक फैला हुआ है जो एक देश के कंप्यूटर को दूसरे देश के कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे मुख्य उदाहरण इंटरनेट है जो आज विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय है और पूरे विश्व में फैला हुआ है। पूरे विश्व में इसका उपयोग हर प्रकार से किया जा रहा है और विश्व के सभी लोग इसका प्रयोग किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। थैंक यू।